ये इंडिया से मेरे मम्मा लेकर आए थे ड्रेस। 35 मिनट। मौसम बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा ठंडा पानी है। कनाडा की गंगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज का दिन बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि आज हम जा रहे हैं पिकनिक के लिए, और ये इंडिया से मेरे मम्मा लेकर आए थे ड्रेस हम दोनों के लिए सेम। तो ये मेरी ड्रेस आज के लिए क्योंकि आई है स्पेशली इंडिया से, मम्मा की भी सेम। आउटलुक चेक। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है, फिटिंग वगैरह भी आई गई है। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। आज हम जाएंगे ब्लू माउंटेन और वसाका बीच, और रास्ते में एक सनसेट पॉइंट भी अगर टाइम मिला तो वहाँ भी रुकेंगे। तो आज काफ़ी चीज़ें देखने के लिए, तो करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट। स्टे ट्यून। सो वी आर ऑल सेट गाइज, जहाँ से हमें लगेंगे 1 hour 35 minutes 107 kilometers। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। रास्ता बहुत अच्छा है, तो मौसम भी बहुत अच्छा है, तो अभी हम निकलते हैं। तो वह स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम रुके हैं अपना गैस डलवाने के लिए। तो ये भी अलग ही लेवल का स्ट्रगल है क्योंकि यहाँ पे आपको गैस खुद डलवानी पड़ती है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारा गैस स्टेशन, तो यहाँ पे कोई नहीं होता आपकी हेल्प करने के लिए, आपको पहले अंदर जाके पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके अपना पेट्रोल खुद ही अपना फिल करके उसको वापस रखना होता है। ऑल गुड। ओके गाइस, सो फाइनली 110 किलोमीटर ड्राइव करके, 1.5 hour ड्राइव करके हम पहुंच गए अपना ब्लू माउंटेन में। तो जैसे कि आप देख सकते हो संडे के कारण पीछे बहुत ज़्यादा रश है, तो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं ब्लू माउंटेन विलेज को। गाइस ये थी इसकी मेन एंट्रेंस, और वहाँ पे थी पार्किंग, और जैसे आप देख सकते हो पार्किंग कितनी ज़्यादा फुल है। तो हमें जो पार्किंग मिली है वो मिली है उसकी बैक साइड पर, तो हम पीछे से आए हैं सारा घूम के, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बिजी है आज। ये बच्चे रोते हुए। मौसम बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, धूप बिल्कुल भी नहीं है, रश भी बहुत है, रश भी उतना ज़्यादा ही है, बट इट्स गुड। बहुत ज़्यादा रश है, सारे रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट बुक्ड हैं। हमें पार्किंग ढूंढने में ही आधे घंटे से ज़्यादा लग गया, तो वो भी हमने बहुत पीछे जाके लगाई क्योंकि मेन पार्किंग जो थी वो सारी फुल थी, बट इट्स गुड। कज़ हैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो करवाई जाती हैं। ब्लू माउंटेन की मार्केट जो कि वीकेंड के कारण है बहुत ज़्यादा बिजी। ले लो ले लो ले लो। तो गाइस ये मेन लोकेशन ब्लू माउंटेन की, और वो देख रहे हो हमारे जो पीछे पहाड़ हैं सारे, ये बेसिकली एक स्की रिजॉर्ट है ब्लू माउंटेन विलेज में जो है। तो वो जो पीछे पहाड़ से आप देख रहे हो ना माउंटेन्स, हाँ, तो विंटर के टाइम पे वहाँ पे स्की होती है, तो सारा स्नो से कवर होता है ये पूरा माउंटेन, तो वहाँ पे स्की करते हैं लोग। या
बस ये है बोटिंग, पर जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है। तो बस मुझे लग रहा है कि मुझे इसकी टिकट लेते लेते ही कम से कम एक घंटा वेटिंग करनी पड़ेगी। मुझे क्राउड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्राउडी प्लेसेस आई फील सफोकेटेड। तो आई थिंक आज के लिए तो ये स्किप ही करना पड़ेगा क्योंकि इतनी वेट हम नहीं कर सकते, हम पहले थोड़े लेट हैं। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, तो लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है इसकी, एक घंटा तो कम से कम वेटिंग ही बोला था, हाफ एन आवर तो वेटिंग में जाएगा। कोई भी एक्टिविटी कर लो, कोई भी रेस्टोरेंट कर लो, हर जगह नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे। जितनी लंबी लाइन है तो कोई चांस नहीं है हमारा करने का, क्योंकि ऑलरेडी हमें 5 तो बज ही चुके हैं। अभी हमने वसागा बीच भी जाना, अभी हमने खाना वगैरह भी नहीं खाया रास्ते में कुछ, तो आज के लिए तो स्किप ही करना पड़ेगा। मे बी आई ट्राई नेक्स्ट टाइम, जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम जरूर ट्राई करेंगे। सो गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम ब्लू माउंटेन आ रहे हो और अगर आप वेजिटेरियन हो, मेक श्योर आप यहाँ का एक नमस्ते पिज़्ज़ा है वो ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी होता है स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस। प्लस आप देख सकते हो बिजी बहुत ज़्यादा है, इसकी वेटिंग हमेशा ही रहती है। वहाँ मैजिक शो हो रहा है, वहाँ And we'll see what magic we can get up to today. Elijah. ये टीम होटल से कॉफी के लिए भी यहाँ पे लाइन लगी हुई है बहुत ज़्यादा। हर चीज़ just line up. Okay, so finally बहुत देर वेट करने के बाद, लाइन में खड़ने के बाद हमें मिला ये रैप और कॉफी। तो ये हम आए हैं बिल्कुल स्ट्रेस से दूर, बैक साइड ऑफ द ब्लू माउंटेन, जहाँ पे हम पीसफुली अपना खाना खा सके एटलीस्ट, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बिजी है। ओके गाइस, सो फाइनली सारा रश देखने के बाद, आई मीन ब्लू माउंटेन देखने के बाद, हम जा रहे हैं अपना वसागा बीच, जो कि है बिल्कुल रास्ते में ब्रैम्पटन के। तो यहाँ से हमें लगेंगे 37 मिनट्स। तो 37 मिनट्स में हम पहुँचेंगे वसागा बीच। मौसम बहुत अच्छा है, आई होप उधर ज़्यादा रश ना हो, जबकि मुझे पता है कि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होएगा। गाड़ी इधर है। तो गाइस आप देख सकते हो हमने पार्किंग यहाँ लगाई थी अपनी, ये कोई अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है किसी रेस्टोरेंट की, तो यहाँ पे पार्किंग मिली क्योंकि यहाँ पे कोई पार्किंग है ही नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा रश है। तो इनफैक्ट यहाँ पे लिखा भी हुआ उन्होंने नो पार्किंग, बट फिर भी हमने रिस्क लेके, चाहे हमारी गाड़ी टो हो जाए, चाहे हमें $500 फाइन लग जाए, फिर भी हमने नहीं लगता फिर भी हमने गाड़ी रिस्क लेके यहाँ लगाई, क्योंकि वो रास्ता ही नहीं है और कोई जगह भी नहीं थी। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं अपना वसागा बीच, वहाँ भी पार्किंग मिल जाए और वहाँ भी रश थोड़ा कम हो ना भी हो, अब तो हम जा ही रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो स्टे ट्यून। Finally we have reached Vasagha Beach. Mama change karo dress, blue wali dress mein aa jao. Aunty aapne boy banna hai, girl banna hai, kya banna hai? Chalo thoda down. अपनी कैप डाल लो डाल ले। यहाँ से आप देख सकते हो ब्लू माउंटेन के माउंटेन यहाँ से हमें विजिबल है।
और मम्मा कैसा लगा वो सागा बीच? हर हर गंगे। मैं मम्मा को बीच दिखाने लगाई थी बट उन्हें गंगा की याद आ रही है यहाँ पे। हर हर गंगे, ठंडा ठंडा पानी, वो फीलिंग गंगा वाली उठा ले रहे हैं यहाँ पे। ठंडा ठंडा पानी से मजा आ गया यार। ये थी कनाडा की गंगा। कनाडा की गंगा, मत्था टेक लिया, चलो वापिस। हर हर गंगे। नो जम्पिंग एंड फिशिंग फ्रॉम द ब्रिज। शिफा नहीं, शिफा नहीं। गाइस, सो ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि हमने बहुत ज्यादा एंजॉय करा। सही बात है, जितना हम फ्रस्ट्रेटेड ब्लू माउंटेन हो गए थे उतना खुश हम वसागा भी चाके हो गए। मौसम बहुत अच्छा था, विच वॉज अ प्लस पॉइंट। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं करा। एंड स्टे ट्यून, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।